हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड दिस इज़ टॉपिक ऑफ हिस्ट्री प्रोजेक्ट। सो मुझे हिस्ट्री में मिला है टॉपिक भारत में जैन धर्म का उदय और ये है फाइल 2021-22 का। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पेज कैसे मैंने ये डेकोरेट किया है मोतियों से, पेंटिंग कलर्स से और बस ये क्राफ्टिंग करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर आप देख सकते हैं कि मैंने इतिहास का प्रोजेक्ट बनाया तो सबसे पहले इसका रूल होता है जिस टॉपिक पे आप बनाएं उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई एक कवर पेज बनाएं, ठीक है। और इसी कवर पेज को मैंने पांडुलिपि टाइप का ऐसे जैसे सूचना पटाते थे उससे से रिलेटेड मैंने ये बनाया है। सो आप देख सकते हैं ये पंख वगैरह जो उस टाइम लिखने के काम आते थे, पांडुलिपियाँ थी ऐसे लकड़ी में लगा के आती थी चिट्ठियाँ, ठीक है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब फ्रंट पेज देखते हैं इसके आगे का। और ये देखिए मेरे स्कूल का नाम है राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 आदर्श नगर दिल्ली 11-00-33। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग यूज़ करके ये सब बनाया है और आप चाहें तो क्राफ्टिंग की जगह पे आप स्केच पेन से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है और मैंने इस ये एक क्राफ्टिंग आइडिया लगाया है जिससे टीचर भी इंप्रेस हो जाते हैं ज़्यादा। मैंने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखा यहाँ पे, हमारी मैडम है राखी मैडम सब्जेक्ट टीचर। तो उनका देखिए ये डेकोरेटिव आइडियाज़ हैं जो आप टीचर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं 20 नंबर देने के लिए। देख सकते हैं आप सब्जेक्ट टीचर का नाम हो गया, स्कूल का नाम भी हो गया। जब मेन इसका होता है स्कूल का नाम, क्योंकि अगर मान लो फाइल कहीं चली जाती है तो ये पता चल जाए ना कि हमारे स्कूल की फ़ाइल है, दूसरे बच्चे इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे फिर। और इसके बाद आता है सेकंड पेज आकाश कुमार, अपने बारे में मैंने लिखा है जैसे मेरा नाम आकाश कुमार है, क्लास 12th भी है, रोल नंबर 49 है, बोर्ड रोल नंबर अभी नहीं है सो अभी मैं रोल नंबर नहीं लिख रहा। और फिर सबसे पहले मैंने लिखा है इतिहास का, इसमें इसलिए लिखा है मैंने ताकि ये पता चले कि किस सब्जेक्ट का ये फाइल है। इतिहास परियोजना कार्य 2021-22। और देख सकते हैं मैंने क्राफ्टिंग करके बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स इसमें लगाए हैं स्टोन्स का यूज़ करके। आप भी क्राफ्ट ऐसे करिए, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ऐसे पेपर कटिंग करने के। और डिज़ाइन देखिए मैंने स्केच पेन और मार्कर से कितना अच्छा बनाया है डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और अब आता है थर्ड पेज आएगा आभार ज्ञापन में अपने टीचर्स के बारे में बताना है कि उन्होंने हमें कैसे प्रशिक्षित किया कि हम इस परियोजना कार्य को सफलतापूर्ण संपन्न कर पाए। तो हमने अपनी क्लास टीचर का हमने इसमें डाला है, फिर अपने प्रिंसिपल के बारे में लिखा है मैंने, उनको धन्यवाद करते हुए लिखा मैंने, फिर उनके प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अद्भुत परियोजना कार्य को करने का अवसर प्रदान किया है, ठीक है। मुझे इस परियोजना कार्य को करने में यानी अपने यहाँ पे अपने सिलेबस का नाम सॉरी जो हम टॉपिक मिला उसका यहाँ पे नाम लिखना है, कुछ जानने में बहुत सहायता मिली है ना। हम सारे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ नए नए ज्ञान आते हैं, कहीं नेट से आ गया या हमारे बुक से आ गया, कहीं हमने लाइब्रेरी से ली थी कोई बुक उससे आ गया हमें आइडिया, तो हमने इसमें लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है अपने दोस्तों और अभिभावकों माता पिता के बारे में लिखा भी है। अभिभावक माता पिता और अध्यापकों ने इस परियोजना कार्य को करने में सहायता की है और हस्ताक्षर अपने कर देने, क्योंकि आभार ज्ञापन आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे प्रमाण पत्र। ये परियोजना कार्य का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है बिकॉज यहाँ पे प्रमाण पत्र में लिखा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि छात्र आकाश कुमार ने शैक्षिक 2021-22 के लिए CBSE इतिहास विषय परियोजना कार्य के लिए मेरे पर्यवेक्षण में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो ये प्रमाण पत्र जो है ये टीचर की तरफ से होता है, तो टीचर के यहाँ पे साइन होगा, हस्ताक्षर लिख के यहाँ पे हमें टीचर को दे देना इस प्रोजेक्ट के साथ। सो इसके बाद देखते हैं परियोजना का उद्देश्य, इसमें अपने उद्देश्यों को वर्णित करना है कि आपका उद्देश्य क्या था इस परियोजना को करने में। इसमें मैंने लिखा विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करने के लिए कौशल विकसित करने के लिए विविध दृष्टिकोणों की जांच और तार्किक कटौती, ऐतिहासिक प्रमाणों को समझने, उनका विश्लेषण व्याख्या मूल्यांकन करने और ऐतिहासिक साक्ष्य की सीमा को समझने के लिए विकसित करना, ठीक है। और ये है तीसरा पॉइंट है समन्वय आत्मदिशा और समय प्रबंधन के 21वीं सदी के प्रबंधकीय कौशल का विकसित करना, ठीक है। अब इसके बाद का नेक्स्ट पेज है
संदर्भ सूची, वैसे तो ये लास्ट में आते मेरे गलती से ये संदर्भ सूची पहले लिख दिया। सो इसे संपन्न करने में हमें किन किन चीज़ों के स्रोत की आवश्यकता पड़ी, जैसे मुझे ये स्रोत मिले हैं, इंटरनेट से मैंने स्रोत इकट्ठा किए हैं, पाठ्य पुस्तक NCERT, आप ब्रैकेट में NCERT लिख सकते हो, ठीक है, फिर पुस्तकालय से हमें मिली है, लाइब्रेरी से और शिक्षकों के अध्यापन से, ठीक है। और इसके बाद आता है मेन पॉइंट, ये हमारा मेन पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे सागर में गागर भरने के जैसा ये हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए हमने ये बनाया, हमने प्रोजेक्ट फाइल 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स के लिए हमें 20 पेज बनाने पड़े, तो 200 पेज के बारे में हमने लिखना है इस पेज पे, ठीक है। इसका जो डिटेल्स है, डिटेल्स को हम शॉर्ट करके, एकदम शॉर्ट करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रस्तुत परियोजना कार्य भारत में जैन धर्म का उदय, सूचना के विभिन्न स्रोतों जैसे पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, विशेष के विचार, पत्रिका संग्रहालय, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया है। इससे मेरा ज्ञान वर्धन हुआ है और अन्य के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। अब इसके बाद कहा था विषय सूची। विषय सूची मैं कंफ्यूज था कि नंबरिंग पेज के कैसे डालनी है, सो मैंने टीचर से कंसल्ट कर लिया, तो टीचर ने कहा कि आप यहाँ वाले डालोगे, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करो पेज नंबर। सो विषय सूची हो गई। और आते हैं अब हमारा मेन टॉपिक, भारत में जैन धर्म का उदय। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, हमने हाईलाइट करके लिखा कि आगे से टीचर को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, और इसके परिचय के बारे में बता देंगे, जैन धर्म का परिचय, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जैन धर्म की उत्पत्ति, यहाँ पे उत्पत्ति होगा, मैं से गलती हो गई, यहाँ पे उत्पत्ति होगा। देखिए अच्छे राइटिंग में मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग, अब कटिंग नहीं करना। अब आता है जैन धर्म का सिद्धांत। इसका सिद्धांत ये था चोरी ना करना, अहिंसा कर, अहिंसा और सत्य बोलना, आप आगे देख सकते हैं इसके आगे। देखिए मैं, और ये है मेरा ड्राफ्ट पेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा पेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इसी वाले पेज पे किया, आप देख सकते हैं मैंने स्पेस टोन लगा दिया ताकि निकालने में दिक्कत ना हो। ये देखिए क्राफ्टिंग मैंने कैसे किया, इसकी क्राफ्टिंग दे लिया, ये क्राफ्टिंग, और उसके बाद क्राफ्टिंग करने के बाद ये सिद्धांत को मैंने नाम दे दिया। विकासमान विशुद्ध आत्मस्वरूप का ही दर्शन, स्मरण, चिंतन, ध्यान एवं अनुभव किया जाता है। फिर इसके बाद आता है शिक्षाएं।
इनकी शिक्षाएं इनके सिद्धांतों पर निर्धारित थी। देख सकते हैं आप, इस सब में आपको 5-6 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है शिक्षा में, जो मैंने आपको बताया था पहले, अहिंसा, चोरी न करना, अस्ते यानी चोरी न करना, फिर आता है हमारे पास अपरिग्रह यानी त्याग करना और ब्रह्मचारी, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं इसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने ये लिख दिया कि इस परियोजना को करके निष्कर्ष ये निकलता है कि जैन धर्म ग्रंथों और पुरावशेषों तथा अन्य स्रोतों के अनुसार सबसे प्राचीन धर्म है। इस धर्म के लिए महावीर जी ने 5 सिद्धांतिक लक्षण बताए हैं। जैन धर्म की शिक्षा भी इन सिद्धांतों पर निर्धारित है, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे वहाँ पे संदर्भ सूची, जो मैंने पहले लगा दिया था, आप आगे चाहें तो लगा सकते हैं। अब पीछे ये मैंने ऐसे ही बस चार्ट लगा दिया था और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फाइल में 20 नंबर मिल जाएंगे। टीचर ने कहा था कि हम 20 नंबर पूरे दे देंगे। और देखिए मैंने इसमें डेकोरेशन कैसे किया था, इस पर ऐसे में देखिए ये कबूतर या पक्षी के पंख जैसे लगा दिए इस पर, ये जो टूथपिन होता है ना, टूथपिन से स्टोन वगैरह लगा के इसको मैंने डेकोरेट कर दिया। सो ओके, थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।